ये वही लड़की थी ना जिसकी कॉल मैंने तुम्हारे फोन पर सुनी थी और जो तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो रही थी। जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने बात टाल दी थी। भाई आप बहुत अरसे से उस लड़की के पीछे थे। मैंने ये बात अम्मी पापा को इतनी बार बताना चाहिए लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि आपको दुख होगा। तुम भी अपने भाई पे इल्जाम तराशी कर रही हो। क्या हो गया है आप लोगों को? मैंने गलत नहीं कह रही। उस दिन जब वो कॉलेज के फेयरवेल पे गई थी ना उस दिन एक लड़के ने उसका रास्ता रोका था। अरे इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने हमसे छुपाई। अम्मी उस वक्त हमें एहसास नहीं था कि भाई ऐसे भी हो सकता। बेटा कौन था वो लड़का और क्या कहा था उसने? उसने एनी को धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर तुम्हारा भाई अपनी स्टूडेंट का पीछा नहीं छोड़ेगा ना तो वो एनी को। अल्लाह नहीं, नहीं कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। भला तुम्हारा रास्ता कोई क्यों रोकेगा? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। उसने मुझे कहा कि आप अपने स्टूडेंट को हरास कर रहे हैं।